कुलदीपक। बर्थडे गिफ्ट तो दिया ही नहीं। मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर पाई, इससे प्यारा गिफ्ट और क्या हो सकता है। आई नो वो चिराग को लेके कितनी पजेसिव है और उनकी इनसिक्योरिटी की भावना को समझती हूँ मैं। और अगर मेरा आपके घर आना ये विद्या जी को पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर इतने प्यारे परिवार में कोई भी टेंशन हो। डोंट वरी, मैं विद्या से बात करूंगा। प्रॉमिस। कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। ए गोटी मास्टर, पर गोटी नहीं खेलना है, ब्रश चलाना है। ब्रश तुम्हें ब्रश पकड़ना भी आता है? बड़े आए जीतने वाले। विद्या जो भी कर रही है वो चिराग की भलाई के लिए ही करेगी। मे भी आपकी चिंता सही है कान्हा जी, चिराग बीइंग द ओनली चाइल्ड वो बहुत लाडला है, थोड़ा डिमांडिंग भी है। एंड आई वांट हिम टू अंडरस्टैंड कि शेयर कैसे किया जाता है। वैष्णवी और चिराग इकट्ठे एक ही गाड़ी में स्कूल आए जाए ये फैसला विद्या का नहीं था, ये फैसला मेरा था। इनफैक्ट एज अ टीचर एंड एज अ काउंसलर आपको भी चिराग को सिखाना चाहिए कि वो लोगों से कैसे मिलजुल कर रहे। आई होप आप हमारी मदद करेंगे। बाय कान्हा जी, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। दिवांग तो मेरी भाषा बोलना सीख गया था पर अचानक उसका सुर कैसे बदल गया? ये सब उस लड़की के वजह से हो रहा है। मुझे जल्दी इस लड़की का कुछ तो करना होगा, बहुत जल्द। ए डबल छोटी, तूने आज मेरी सीट ले ली पर खुद को ज्यादा स्मार्ट मत समझना। कल पेंटिंग कॉम्पिटिशन में चिराग को हरा के दिखाना, ये और मुझे हराएगी। कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। ए गोटी मास्टर, पर गोटी नहीं खेलना है, ब्रश चलाना है। ब्रश तुम्हें ब्रश पकड़ना भी आता है? बड़े आए जीतने वाले। मैं पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा तो नहीं ले सकती पर विद्या आंटी की मदद जरूर कर सकती हूँ। चिराग, वैष्णवी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। बाय। दोनों पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाना। मैं तो स्कूल बस चिराग के ऊपर नजर रखने जा रही हूँ। लेकिन पेंटिंग कॉम्पिटिशन में तुम्हें जीतना भी है। वैष्णवी, बिना कलरिंग किट के तू पेंटिंग कंपटीशन में क्या करेगी बेटा? आओ, देर हो रही है। बाय। वैष्णवी बिना कलरिंग किट के स्कूल जा रही है।
की सच्चाई पता चल गई कि वो भी दाई माँ की तरह शैतानी शक्तियों की रक्षक है। अब मुझे चिराग को उससे बचाना होगा। तुम्हारी हर हार के पीछे सिर्फ दो ही लोग हैं, तुम्हारी मम्मी और वैष्णवी। तुम्हें सबसे पहले वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना होगा। मैं उस वैष्णवी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उस वैष्णवी को। आप अभी और मुझे प्रिवेसी देने के लिए बाहर गए थे, है ना? नहीं तो सच्ची, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे सरू पूरी पूरी मदद कर रही है हरी भैया। ऐसा है तो फिर हमने भी हमारा काम कर ही दिया। ये क्या था? मदद? कुछ भी हो जाए, सृष्टि जी को आज हम मना कर ही रहेंगे। ससुराल ये अग्नि फेरा के चक्कर में हम अपना असली रूप ही भूल गए। बहुत घाटा करा लिए हम ये प्यार के चक्कर में। अब और नहीं, आज बड़ो अपने कमरे में सोवेगी तो आप टाइम पे आ जाना। मैं इंतजार करूंगी आपका। तने जो खबर सुना के तो कमाल के। दादी साहब, क्या मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ? तू अपने धर्म का पालन बहुत अच्छे से कर रही है। निभा तो रही हूँ लेकिन अधूरा। मेरा एक नहीं बल्कि दो ससुराल है। दोनों परिवार की जिम्मेदारियों को निभाकर मैं अपने धर्म को पूरी तरह से निभाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। नंद बाबा, कंस के सैनिक आ रहे हैं। अब सारी महिलाएं अपने शिशुओं को लेकर इस ओर आई। प्रभु, गोकुल के सभी शिशु इस समय गुफा में उपस्थित हैं। यदि भद्राक्ष ने उन्हें खोज लिया तो नंदलाल के साथ साथ सभी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। तकलीफ क्या होती है उसे पता भी है? अगर वो केवट चूसे लगा होता ना तो तब उसे पता चलता तकलीफ क्या होती। जितनी प्रॉब्लम मैंने मम्मा को दी है उससे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे मिलनी चाहिए। तू असल बाजवा है ना, तो आज शाम तक का वक्त देता हूँ तुझे। शाम होने से पहले वो लड़की इस घर से बाहर होनी चाहिए। सही, मैंने कर दिया। रकम की जगह बिल्कुल खाली है, जो मन में आए वो कीमत डाल दे। हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जा, है ना? इसमें जो भी लिखूंगी मिल जाएगा? मिल जाएगा। क्या बोला था तुमने मुझसे कि तुम्हें क्लब में मैनेजर की नौकरी मिल गई है? हाँ तो तुम मैनेजर की नौकरी नहीं करते हो बल्कि ब्लू बेल्ट क्लब में जुआरी हो। अभी आपके लिए तोहफा लाया था। काम पूछ सकते हैं कि तोहफा खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? आप तो नल्ले हैं। मैं काम करता हूँ। हाँ, हमको सब पता है कि अब आप नल्ले ना आए हैं, अब आप बहुत बड़े जुआरी बन चुके।
चुके हैं बहुत बड़े जुआरी। हम